हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका ग्रेनिंग प्रोडक्शन में स्वागत है। आज हम आपको डिटर्जेंट पाउडर 26 किलो प्रैक्टिकल बना के दिखाएंगे। इसके लिए हमने सारा इंग्रीडियंट्स ले लिया है। इस फॉर्मूला से जब आप बनाएंगे तो आपका झाग और भी बनेगा अच्छा और सफाई भी अच्छा होगा, और आपका ये जो कॉस्ट है इसका वो लो कॉस्ट में बनकर तैयार होगा। 30 रुपये किलो में लगभग ये तैयार होगा आपका बन के। अगर आप ये रॉ मटेरियल को अच्छी क्वान्टिटी में परचेज करते हैं तो 30 रुपये किलो में बनकर तैयार होगा। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बनकर तैयार होगा। इसका मैंने पूरा जो है फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख लेंगे, और वीडियो में भी आप देखेंगे तो उसका प्रोसेस पूरा आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले जो मैंने इंग्रीडियंट्स लिया है, ये मेरा 5 किलो जो है इंडस्ट्रियल सॉल्ट है, ये इसमें हमने डाल लिया इंडस्ट्रियल सॉल्ट 5 किलो। अब इसमें हम डालेंगे 5 किलो ये सोडियम सल्फेट। ये सब जो है हमारा ये फिलर है, ये फिलर का काम करता है। फिलर को आज हम पहले यूज़ कर रहे हैं, बाद में हम इसमें सोडा इसमें मिक्स करेंगे। पहले अपना फिलर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा फार्मूला है ये, हर बार से अलग फार्मूला है। हर बार मेरे जो फॉर्मुलेशन रहते हैं वो अलग रहते हैं। हम थोड़ा इसके ऊपर में 2-4 बार बना के देखते हैं कैसा बन रहा है, इसका क्वालिटी को चेक करते हैं, उसके बाद आपके सामने इस फार्मूले को लेके आते हैं। कोई भी फार्मूला हमारा जो रहता है वो थोड़ा रिसर्च करने के बाद हम उसको बनाते हैं। क्वालिटी बहुत ही अच्छा बनेगा इस फार्मूले से आपका। आपका रॉ मटेरियल जो है वो बढ़िया होना चाहिए बस, और फॉर्मुलेशन आपका ये रहेगा, बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। झाग और सफाई सब कुछ इसमें होगा। 5-5 किलो हमने ये सोडियम सल्फेट और इंडस्ट्रियल सॉल्ट दोनों को मिक्स कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे 5 किलो सोडा रस। ये हमारा जो है सोडा एस लाइट है टाटा का, बहुत ही अच्छा है, कम हल्का वेट है ये, इसका वेट कम होता है और ये दिखता ज़्यादा है। जब आप इसका 50 किलो का बोरा लेंगे तो देखेंगे कि ये लगेगा कि 70 किलो का बोरा है, लेकिन ये 50 किलो माल रहता है इसमें। और उसी जगह में 50 किलो सोडियम सल्फेट या 50 किलो ब्रोमाइड पाउडर या इंडस्ट्रियल सल्फेट भी लेंगे तो बहुत ही छोटा बोरी में आएगा, वो आपको लगेगा नहीं कि 50 किलो का बोरी है। उसका वेट ज़्यादा रहता है, इसका वेट कम रहता है, ये लाइट वेट है, छोटा एस लाइट है ये। इसको डालने के बाद हम अच्छे से अपना इसको फिलर में मिक्स कर लेंगे। पहले मिक्सिंग तो इसका हम शुरू से आखिर तक अच्छे से करते हैं, कुछ मिक्सिंग जो हम वीडियो स्किप करके भी करते हैं, क्योंकि हमारा मिक्सिंग जो है अच्छा होना चाहिए, थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए बीच बीच में स्किप करना पड़ता है हमको। लेकिन मिक्सिंग इसका अच्छे से करते हैं, इसलिए कि मिक्सिंग अगर आप सही से नहीं करेंगे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन के अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए आपका प्रोडक्ट अच्छा बन नहीं पाएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, हमारा जो डोलोमाइट पाउडर है हमने लिया है 5 किलो, वो अलग रखा हुआ है, वो देखिए उसको हम बाद में मिक्सर में। पहले हम इसमें एसिड सेलरी में, हमने 1 किलो एसिड सेलरी में 300 ग्राम कास्टिक सोडा डाल के इसको न्यूट्रलाइज कर लिया है। इसके बाद इसको हमने कम से कम 20 मिनट छोड़ दिया था, आप इसको और थोड़ा देर छोड़ सकते हैं, कम से कम आधा घंटा 40 मिनट छोड़ दीजिए उसके बाद मिक्स कीजिए। मैं इसको 20 मिनट के बाद मिक्स कर रहा हूँ, अभी भी थोड़ा सा ये गर्म है, इसको पूरा ठंडा होने दीजिए तब आप मिक्स करेंगे। ये हमारा वीडियो हमको बनाना है इसलिए हम इसको मिक्स कर रहे हैं। आप जब भी इसको बनाएंगे तो थोड़ा देर इसको छोड़ देंगे, इससे क्या होगा ये इसका जो रिएक्शन है प्लास्टिक सोडा और एसिड सेलरी का वो अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आप इसको डालेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। प्लास्टिक सोडा को हम पहले हम पानी में डाल के मिक्स करते थे, उससे हमारा प्रोडक्ट जो है गीला हो जाता था, इसलिए हम इस बार इसको एसिड सेलरी के साथ न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। पानी इसमें नहीं मिक्स नहीं किया हमने ज़रा सा भी, प्रोडक्ट हमारा सूखा बनेगा, इसलिए थोड़ा सा इसमें कुछ चांस रह गया है, इसको हम बाद में मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इसको रख देते हैं साइड में और इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। इसका मिक्सिंग जो है आपको, अगर आपके पास मिक्सर है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें मिक्स हो जाएगा आपको अच्छी तरीके से। अगर मिक्सर नहीं है, आप मैनुअल मिक्स करते हैं इसको, अपने हाथ से मिक्स करते हैं, तो थोड़ा आपको मेहनत इसमें करना पड़ेगा, मिक्सिंग अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि मिक्सिंग ही इसका जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरीके से सारा केमिकल जब मिल जाएगा एक दूसरे में, आपस में रिएक्ट कर लेगा,
तब आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा तैयार होगा। अगर अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएगा तो अच्छा से नहीं बन पाएगा। थोड़ा देर इसका अभी रिएक्शन होगा एसिड सेलरी का सोडा इसमें, और कास्टिक सोडा भी इसमें है तो थोड़ा ये गर्म भी होगा पाउडर अभी हमारा। इसके बाद धीरे धीरे ये ठंडा हो जाएगा, जब इसका रिएक्शन कम्प्लीट हो जाएगा तो पाउडर भी ठंडा हो जाएगा और ये थोड़ा सूख भी जाएगा। अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि गीला है, मुझे भी इसका रिएक्शन उसमें चल रहा है। 5 से 10 मिनट तक इसका रिएक्शन होता है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये पाउडर सूख भी जाता है ठंडा भी हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे HTPP, ये हमने आधा किलो लिया था। इसका फुल फॉर्म है ट्राई सोडियम पॉलीफॉस्फेट। ये जो है वाटर सॉफ्टनर का काम करता है, खारा पानी में झाग बनाने का काम करता है। HTPP जो है आधा किलो जो हम डाल रहे हैं, अगर इसके बदले टेस्ट भी डालेंगे तो कम से कम 1 किलो हमको डालना पड़ेगा। क्योंकि HTPP अगर 1 किलो आप लेंगे कम से कम 90 रुपये का पड़ेगा, और TSP आप 1 किलो लेंगे तो 50 रुपये का पड़ेगा। दोनों में आधा का डिफरेंस है। अभी शायद 100 रुपये चल रहा है HTPP का रेट, पहले 90 रुपये था, तो आधा का डिफरेंस है दोनों में। अगर GST जोड़ेंगे तो GST जोड़ के 60 रुपये में आपको TSP पड़ेगा और 120 रुपये में HTPP पड़ेगा अभी के रेट के हिसाब से। तो इसलिए अगर HTPP अगर आधा किलो डालेंगे तो TSP अगर इसके बदले डालेंगे तो आप 1 किलो यूज़ करेंगे। या फिर आधा किलो TSP और आधा किलो HTPP, ऐसा भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें यूज़ करना चाहें तो आपका रेट के हिसाब से, जो रेट में आपको बनाना है उस हिसाब से आप फॉर्मुलेशन सेट कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन जो है वो आप खुद भी बना सकते हैं। फॉर्मुलेशन बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप उसको 8-10 बार अपने अलग अलग फॉर्मूले से बनाइए, थोड़ा सा छोटा सा बनाइए बैच जो है आधा किलो 1 किलो का, बना के उसको ट्रायल करके देखिए कैसा बनता है, उसके बाद आप उसमें चेंजिंग कीजिए तो आपका ये जो फाइनल आपको बनाना है बैच वो आपका बन के रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 8-10 बार जब आप बनाएंगे उसको, उसका फॉर्मुलेशन लिखेंगे, उसका रेट लिखेंगे, किस रेट में आपको बनाना है, कैसा आपको मटेरियल चाहिए, कैसा आपको प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, झाग कितना चाहिए, सफाई कितना चाहिए, उस हिसाब से आप अपना फॉर्मुलेशन सेट कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे AOS लिक्विड, जो कि हमने 1 किलो लिया था, ये 400 ग्राम और 600 ग्राम हमारा है। दो जगह दो बर्तन में मिल गया था इसको। इसको पहले मिक्स कर लेंगे। AOS लिक्विड जो है झाग का काम करता है, झाग बढ़ाने का, और सफाई भी थोड़ा बहुत इसमें है, सफाई का क्षमता भी। एसिड सेलरी जो है हम 1 किलो जो डाले हैं, अगर AOS लिक्विड 1 किलो नहीं डालेंगे तो फिर हमको एसिड सेलरी को बढ़ाना पड़ेगा। एसिड सेलरी का रेट ज़्यादा है तो इसलिए हम AOS लिक्विड यूज़ कर रहे हैं। ये 600 ग्राम है, पहले जो मैं डाला था वो 400 ग्राम था। सारा केमिकल जो है जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मिक्स हो जाएगा, थोड़ा ड्राई फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि हर बार मेरे वीडियो में मैं आपको बोलता हूँ जब भी गीला रहे तो आप इसको कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा देर अच्छा से मिक्स कर लेंगे, ये पूरा सूख जाएगा। जब आखिरी में आपको फाइनल प्रोडक्ट में दिखाता भी हूँ हमारे वीडियो में, तो आप देखेंगे कि जब शुरू में जो प्रोडक्ट पूरा गीला रहता है, आखिरी होते होते तक पूरा वो तैयार होते तक पूरा ये सूख जाता है। बल्कि और थोड़ा जब हम उसको छोड़ देते हैं बनाने के बाद थोड़ा देर, तो और ज़्यादा सूख जाता है। क्योंकि जब बनता है तो सारा केमिकल एक दूसरे में रिएक्ट करता है, थोड़ा गर्म होता है, गर्म होने के बाद ठंडा होता है, तब तक पूरा जो प्रोसेस है कंप्लीट होते तक जो गीला रहता है वो सब सूख जाता है। गीला पनीर में जो रहता है वो धीरे धीरे सूख जाता है। अभी इसको हम थोड़ा मिक्स अच्छे से कर लेंगे लास्ट में। अभी आपको दिखा देते हैं और क्या क्या हमारा डालना है। ये हमारा 5 किलो डोलोमाइट पाउडर है, इसको हम इसमें डालेंगे। तो
क्रोमाइट पाउडर 5 किलो में डाल दिया है। इसके बाद हमारा ये पॉलीमर है 200 ग्राम, इसको डालेंगे। इसके बाद हमारा SLES लिक्विड है जो कि हमने 1 किलो लिया था, इसको डालेंगे। ये जो है फॉर्म बूस्टर है, झाग को बढ़ाने का काम करता है, झाग बनाता है डिटर्जेंट पाउडर में। आपको अगर झाग ज़्यादा बनाना है तो इसको डालना पड़ेगा। बहुत से लोग जो है झाग अगर नहीं होता डिटर्जेंट पाउडर में तो दोबारा उसको लेना नहीं चाहते, यूज नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों का माइंड सेट ये है कि झाग अगर डिटर्जेंट पाउडर में नहीं है तो वो सफाई नहीं करेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। झाग से सफाई का कोई लेना देना नहीं है। झाग जो है वो सिर्फ लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, लोगों को जो संतुष्ट करने के लिए डाला जाता है, वरना झाग का सफाई से कोई लेना देना नहीं है। आप कपड़ा धोते हैं साफ़ करने के लिए कपड़ा भी, झाग से आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन लोगों का दिमाग में शुरू से ये बात डाल दिया गया एडवर्टाइजिंग के जरिए कि जो डिटर्जेंट पाउडर में झाग अच्छा है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि झाग से सफाई का कोई मतलब नहीं है। सफाई अगर डिटर्जेंट पाउडर आपको करता है तो झाग अगर नहीं भी बनता तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लोगों का माइंड सेट ये बना हुआ है शुरू से कि जिसमें झाग अच्छा नहीं बनता उसमें सफाई नहीं होता, इसलिए हम इसमें SLES लिक्विड डालते हैं सफाई के लिए। SLES पाउडर भी आप डाल सकते हैं। SLES पाउडर जो है वो भी झाग बढ़ाने का काम करता है। आप SLES पाउडर इसके बदले अगर डालेंगे तो भी आपका जो है झाग अच्छा बनेगा, लेकिन उसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम SLES लिक्विड यूज़ करते हैं। SLES पाउडर अगर आप डालेंगे तो 250 ग्राम डालेंगे 1 किलो SLES लिक्विड के बदले में, तो भी आपका हो जाएगा। 250 ग्राम में अगर झाग अगर पूरा अच्छा से नहीं बनता है तो कम से कम 400 ग्राम तक आप डाल देंगे उसको। उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा तो उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो मैं आपको ये जो बता रहा था कि SLES लिक्विड जो डालते हैं, SLES लिक्विड या SLES पाउडर, ये झाग के लिए डालते हैं, जबकि झाग का सफाई से कोई लेना देना नहीं है। सफाई अगर अच्छा है आपका डिटर्जेंट पाउडर में तो आपका डिटर्जेंट पाउडर अच्छा है, झाग अगर कम भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। झाग जो है वो सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए डाला जाता है, झाग बनाया जाता है। इसमें सफाई और झाग से कोई मतलब नहीं है। ये हमारा थोड़ा देर हमने वीडियो को स्किप कर दिया था, क्योंकि अगर इसको हम पूरा मिलाते हुए आपको दिखाते तो कम से कम 30 मिनट का वीडियो ये बन जाता, इसलिए वीडियो को छोटा करने के लिए हमने स्किप कर दिया बीच में। देखिए ये मिक्स होने के बाद में सारा जो गीलापन था इसका वो ख़त्म हो चुका है, धीरे धीरे ये पूरा ड्राई फॉर्म में आ गया। देखिए अच्छे से इसको हमने मिक्स कर दिया ऊपर नीचे करके। कम से कम 10 मिनट हमको इसको स्किप करना पड़ा वीडियो को इसको मिक्स करने के लिए। अब ये हमारा मिक्स हो गया अच्छे से। आज हमने जो लिया है ये 200 ग्राम ये सोडियम सिलिकेट है, ये हम डालते नहीं हैं वैसे कभी, लेकिन आज हमारे पास ये प्रोडक्ट था, थोड़ा ये झाग बनाने का काम करता है, इसलिए इसको भी थोड़ा आज हम डाल दे रहे हैं। ये आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन इसको हम डाल रहे हैं इसलिए कि हमारे पास ये था और थोड़ा हमको झाग ज़्यादा बनाना था इसमें, इसलिए इसको यूज़ कर देना। इसके बदले आप SLES लिक्विड को भी बढ़ा सकते हैं अगर झाग बनाना है तो। इसका मेनली यूज़ जो होता है वो डिटर्जेंट केक में होता है, जो डिश वॉश बार या जो कपड़ा धोने का साबुन जो बनता है या नहाने का साबुन, वो सब में यूज़ होता है सोडियम सिलिकेट। ये बाइंडिंग एजेंट है, ये बाइंडिंग का काम करता है। इसको ज़्यादा अगर डिटर्जेंट पाउडर यूज़ कर देंगे तो ये पाउडर को जो है वो जमा देगा, ढीला बना देगा, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ करते नहीं है। 200 ग्राम ही हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे पास वो भी अवेलेबल था, इसलिए हम इसको डाल रहे हैं। ये तो हम इसको यूज़ नहीं करते हैं जल्दी, इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा आखिरी जो बचा है कलर ग्रेनुलर है, ये 1 किलो हमारा ये ब्लू कलर में है। एक किलो जो है हमारा ये ऑरेंज कलर में है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद परफ्यूम डालेंगे, परफ्यूम डालने के बाद हमारा प्रोडक्ट जो है फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। हमारा वीडियो आप लोग देख रहे हैं लेकिन पूरा नहीं देखते हैं, बहुत कम ड्यूरेशन हमारा वीडियो में आता है, इसकी वजह से हमारा वॉच टाइम जो है वो समय पर कंप्लीट नहीं हो पाया। 4000 घंटे तो हमारे चैनल पे हो गए हैं लेकिन
जो टाइम था वो ज़्यादा हो गया एक साल से, इसकी वजह से अभी हमारे वीडियो में पिछले 365 दिन में 3500 घंटा ही पूरा हो चुका है। 700 घंटा अभी भी हमको उसको मेकअप करना है, जिसके लिए आप लोगों का सहयोग का जरूरत है। आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, जिससे हमारा वॉच टाइम जो है जल्दी कंप्लीट होगा। मैं फॉर्मूलेशन भी आपको देता हूँ, मेरा व्हाट्सअप भी नंबर जो है मेरा दिया हुआ है, अबाउट में मेरा जाएंगे, वो मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर है। आपको कोई भी क्वेश्चन करना है डिटर्जेंट पाउडर के बारे में, आप उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत कॉल आता है मोबाइल में, मेरा दूसरा भी काम है इस वजह से, तो इसलिए मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूँ ज़्यादा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं जब भी टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई कर दूँगा, और हो सके तो उसी वक्त कर दूँगा। ज़्यादातर मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन जो थोड़ा मैं जब बिज़ी रहता हूँ तो बाद में रिप्लाई करता हूँ। और देखिए ये मिक्स होने के बाद में कितना अच्छा हो गया, ये बन के रेडी। अभी थोड़ा और इसको मिक्स करेंगे, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, मैं इसमें परफ्यूम डाल के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। 50 ग्राम हम अंदाज से अपना डालेंगे परफ्यूम, आप उसको चाहे तो वज़न करके डालेंगे। ये हमारा सर्फ एक्सल का परफ्यूम है, अहमदाबाद से हमने बनाया था, मंगवाया था श्रीहरि केमिकल्स वालों से, जो कि हमारा ये 800 रुपये किलो में हमारा आया था। हमने अंदाज से 50 ग्राम ले लिया है इसको। अब इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है रेडी हो जाएगा। तो हमारे आज की वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।